आओ साथी तुम्हें सुनाऊं नारी की ये वेदना, गांधी की है प्रेरणा, ये गांधी की है प्रेरणा। आओ मुझ पर प्रहार करो तुम, आओ मुझको बर्बाद करो तुम, मेरी मर्यादा से छेड़छाड़ करो और अपनी महिमा पुरुषार्थ करो तुम। नारी कहती है कि जैसे तुम हमेशा से मुझे बेइज्जत करते आ रहे हो, मुझे नोचते आ रहे हो, खाते आ रहे हो, आओ फिर से प्रहार करो और अपनी महिमा पुरुषार्थ करो, अपनी मर्दानगी दिखाओ, कितने बड़े मर्द हो तुम। फिर वो आगे कहती है, सती सीता निर्भया और उन्नाव की बेटी हूँ मैं, हर युग में मुझ पर अत्याचार हुआ, हाँ मेरा प्रयास हुआ, हाँ मेरा प्रयास हुआ, अब मेरे कोई प्रश्न नहीं है। वो गांधी वाले, गांधी जैसे कहते थे ना कि एक गाल में थप्पड़ मार चाप के दूसरे गाल में बढ़ा देते थे, तो वो वही कहती है, अब मैं नहीं पूछूंगी, तुझे जो करना है कर। आगे वो कहती है, अब मेरे कोई प्रश्न नहीं है, अब मैं चुप ही बैठूंगी, मुझे जलता पीटता कूटता तड़पता देखो, या फिर आओ आओ अपनी पुरुषार्थ दिखाओ, दिला सको तो इंसाफ दिलाओ, दिला सको तो इंसाफ दिलाओ। आगे वो बहुत संदेह भरी निगाहों से पूछती है, मतलब प्रश्न खड़ा करती है पुरुषार्थ पे, ये मर्दानगी पे, जो लोग कहते हैं कि हम मर्द हैं, उस पर प्रश्न खड़ा करती है कि गर्भ में मेरी रक्षा क्या तुम कर पाओगे, शिक्षा क्या तुम मुझको दे पाओगे, चूल्हे की चिंगारी या ऑफिस की चाबी, यह चुनने की आज़ादी क्या तुम दे पाओगे। कपड़ों पर मेरे कोई प्रश्न नहीं हो, न बचने पाए कोई बलात्कारी, क्या ऐसे अपनी पुरुषार्थ दिखा पाओगे, क्या तुम सच में मुझको इंसाफ दिला पाओगे। आगे वो कहती है कि नहीं चाहिए बेटों सम्मान हमें, इंसान है हमें, हम भी, हमें थोड़ा सा सम्मान मिले, बस इतना सा अब हमको एहसान मिले, ऐसे अपनी पुरुषार्थ दिखाओ, दिला सको तो इंसाफ दिलाओ। आगे वो कहती है कि नहीं होता कि मर्द जो बोल रहे हैं, औरतों को हमेशा वही कहना करना पड़ता है, 9 बजे के बाद बाहर मत जाओ, बर्तन साफ कर दो, तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने, तुम नाइटी में क्यों हो, तुम सलवार क्यों नहीं पहनती हो, तुमने आज ये वाली जींस क्यों पहनी, तुमने बाल बड़े क्यों कर लिए हैं, तुमने कान में नथिया क्यों नहीं पहन, झुमके क्यों नहीं पहने, बहुत सारी चीज़ें होती है। मतलब मर्द अपने इशारों पर औरत को नचाना चाहते हैं हमेशा, और नचा भी रहे हैं युगों युगों से। तो वो कहती है, जो मुझे यूं ही बने रहना होगा मर्द के हाथों की कठपुतली, तो अभी, हाँ अभी मेरा दाह संस्कार करो, यह जीवन यात्रा तुम अभी मेरी समाप्त करो तुम, या फिर जीने दो मानव अधिकारों से, साथी चुनने का अधिकार दो तुम, आओ आओ और कहो मुझसे कि बहुत हुआ, अब मेरे साथ चलो तुम, कंधे से कंधा मिलाकर बराबरी से मेरे साथ चलो तुम, ऐसे अपनी पुरुषार्थ दिखाओ, दिला सको तो इंसाफ दिलाओ। वो आगे कहती है कि मतलब अब वो होता है ना कि कमेंट कर रही है, व्यंग कर रही है कि भाई कब तक तुम चुप यूं ही बैठोगे, कब तक टूटता हुआ कूटता हुआ लूटता हुआ मुझको यूं ही देखोगे, मैं औरत हूं, अबला हूं, नवीता हूं, मैंने तुमको जन्म दिया है, क्या इस बात की लाज भी न रख पाओगे, कम से कम इतना तो इंसाफ करो तुम, अपने अपने मन का कचरा साफ करो तुम, अब मत मुझ पर प्रहार करो तुम। आगे वो कहती है, अब मत मुझ पर प्रहार करो तुम, मुझको मत बर्बाद करो तुम, ऐसे अपनी पुरुषार्थ दिखाओ, दिला सको तो इंसाफ दिलाओ, दिला सको तो इंसाफ दिलाओ। यही थी नारी की वेदना और गांधी की प्रेरणा।